हेलो जी, सत्रीकाल। स्वागत है तुहाडा साडे चैनल नू सस्ते रिएक्शन ते, जिथे मम्मा और मैं मिलके डेली 2 वीडियोस ते रिएक्ट करदे आ। साडे सब्सक्राइबर्स कुछ सानू आके पुछदे ने कि तुहाडी ये मम्मा ने कि मदर इन लॉ ने कि कौन ने, ते आ चैनल दे नाम तो ही समझ आंदा है कि नू ससदा रिएक्शन है, ते मैं नू आ मेरी सासू मां, पर असी मामा तिया वर्गियां, क्योंकि बहुत सारे जने हुण साडे नाल नवे जुड़ रहे ने जिन्हां नू साडे बारे ज्यादा नहीं पता, ते असी विचे विचे वीडियोस विच अपना इंट्रोडक्शन करदे रहने आ। मैं मम्मा दी नू गवनीत कौर, ऐ मेरी मदर इन लॉ नरेंद्र कौर, ठीक है। ते असी वेरियस कंटेंट ते रिएक्ट करदे आ, कदी इमोशनल बयान, कदी कुछ, कदी कॉमेडीज, कदी ड्रामा, कदी सॉन्ग। आज दी जो वीडियो है साडे सब्सक्राइबर ने सानू सजेस्ट कीती सी, अशाब ए उकदूद का वाक्या। अशाब ए उकदूद कौन थे, उनका क्या वाक्या है, अज असी सैयद फैज कोलों समझण जा रहे आ। ते असी पहले कभी इन्हां दा बयान नहीं सुनिया है, और ना ही इस टॉपिक ते किसी होर दा बयान सुनिया, ते दोनों ही चीजां साडे वास्ते नवीआं हो जांदियां, ते असी देखदे आं और समझदे आं कि अज सैयद जी की समझांदे हैं। अगर तुसी हुण तक साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता, यार इंतजार किस गल दा कर रहे हो, पहले सबसक्राइब करो तां वीडियो स्टार्ट होएगी। हम आजमाए जाएंगे। मैं बस अपनी बात को खत्म करने से पहले एक वाक्या सुना के इंशाल्लाह जी अपनी बात खत्म करूंगा। बड़ा प्यारा वाक्य, आपने कई बार सुनाऊंगा इंशाल्लाह, फिर एक बार और सुन लीजिए, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाते हैं, फज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तन्फ़उल मोमिनीन, जिक्र कर दिया कीजिए नबी, जिक्र मोमिनों के लिए नफा बख्श होता है। रिमाइंडर, रिपीट कर दिया कीजिए चीज़ों को, दोहरा दिया करें, दोहराना ईमान वालों के लिए, रिमाइंड करना बार बार, जिक्र करना नफा बख्श होता है। एक ऐसा वाक्य है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में उसका जिक्र है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तफसीलात बयान की, और वह है असहाब उखदूद का वाक्य। बड़ा ही प्यारा वाकया है, माशरे के हर तबके के, मतलब समाज के हर तबके के इंसान के लिए, हर किसी के लिए उसमें एक इबरत है। उस वाकया क्या है, सूरह बुरूज के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत 85 आयत नंबर जो उसकी 4 से लेकर 8 में एक वाकया बयान कर रहा है, असहाबे उखदूद के ताल्लुक से, जिसके ताल्लुक से सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर रिवायत आती है। उस रिवायत के बिल्कुल हूबहू अल्फाज ना दोहराते हुए, वो 2-3 रिवायतों को एक जगह जमा करके एक वाकये की शक्ल, बहरहाल मैं उसको आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि बात एक के बाद एक चेंज जैसी चलती रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुमसे पहली कौमों में कौम थी, ईमान लाने वालों का नहीं, पिछले तुमसे पहली कौमों में कौम थी, उसमें एक बादशाह था, और वो बादशाह अपने आप को रब समझता था, अल्लाह इलाह कहता था, और उस बादशाह के पास एक काहिन था, जादूगर था, जो नजूमी था, सितारों को देखकर बादशाह के ख्वाब सुनकर ताबीरात किया करता था। उस शख्स ने, उस जादूगर ने कहा बादशाह से, बादशाह सलामत, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूं, लिहाजा कोई होनहार होशियार बच्चा मुझे ला कर दिया जाए, ताकि उसे जादू का इल्म सिखा दूं और फिर मैं दुनिया से चला जाऊं, तो वो तुम्हारी हेल्प करे, मदद करे। बादशाह ने कहा ठीक है। जो है एक होनहार बच्चे के लिए मुनादी दी गई, एक बच्चा सेलेक्ट किया गया, चूज किया गया, सेलेक्ट करके जादूगर को दे दिया गया। वो बच्चा जब अपने घर से निकलता तो रास्ते में जंगल आता, जंगल के बाद एक जो है ब्रिज आता, उस पुल आता, उसके उस पार जो है महल था वो गुजरता, जंगल में एक राहिब था। राहिब उस शख्स को कहते हैं जो दीनदार था, और अपने दीन के वजह से उसको बस्ती छोड़कर गांव जंगल में रहना पड़ा, मतलब दीन पर, इस्लाम पर अमल करने की इजाजत नहीं थी, तो उस बेचारे को दुनियादारी छोड़कर जंगल में आकर बसना पड़ा था। जब वो बच्चा उस राहिब के पास रुकता, कुछ बातें राहिब से सुनता, और फिर जाकर जादूगर से कुछ कलिमात जादू सीखता, वो यूं ही रोज करने लगा, घर से निकलता, राहिब दीनदार आलिम के पास रुकता, उससे कुछ इल्म सीखता इस्लाम का, आगे जाता जादूगर से जादू का इल्म सीखता, लेकिन आने और जाने में वो उस राहिब, उस दीनदार इंसान के पास इतनी देर रुक जाने लगा कि बादशाह जो है महल में चिढ़ने लगा, वो जादूगर उसको मारने लगा कि तुम देर से क्यों आते हो, लेट क्यों होते हो। उसने राहिब से कहा, राहिब वो लोग मुझे बहुत मारते हैं जब मैं लेट करता हूँ, इधर से जाता हूँ तुम्हारे पास से, और जब घर जाता तो घर वाले पूछते लेट क्यों, क्या कहूँ, तो उनसे मत कहना। राहिब ने कहा कि मेरे पास आते हो, कहना कि जादूगर से कहना घर वालों ने देर से छोड़ा, और घर वालों को कहना जादूगर ने लेट छोड़ा, लेकिन मेरे बारे में मत बताना, क्योंकि राहिब जानता था ईमान का अगर ऐलान होगा तो उसका क्या हाल होगा। आगे वाकई में आएंगा कि क्या हाल हुआ उसका, उस शख्स का, ईमान वाले। बहरहाल वो सिखाता रहा। एक मरतबा वो बच्चा रास्ते से जब जाने लगा तो वो जो ब्रिज था, पुल था, वो बंद था, उस पर किसी जानवर ने आके, जानवर लेट गया था, और उधर वाले उधर रुके थे, इधर वाले इधर रुके थे, वो बच्चा भी उनमें था, वो राहिब से इस्लाम और दीन का इल्म सीख रहा था, उधर जादूगर से जादू सीख रहा था। उसने दिल में एक नीयत की और एक पत्थर उठाया, ए अल्लाह, राहिब जो तेरे बारे में मुझे इल्म देता है, अगर ये इल्म और तेरा हक है तो ये जानवर मर जाए इस पत्थर की मारने से, और अगर वो जादू का इल्म हक है तो फिर ये जानवर ना मरे।
उसने पत्थर मारा, वो जानवर मर गया और बच्चे का चर्चा इधर उधर हो गया। एक बच्चे ने जानवर को पत्थर मारा जिससे लोग बस्ती वाले इधर के इधर उधर के उधर रुके थे और उस पत्थर मारने से वो जानवर मर गया, बच्चे का चर्चा हो गया। बच्चे ने ये वाकया राहिब को सुनाया, राहिब ने कहा तुम अपने ईमान में कामिल हो गए हो, अब एक बात याद रखना, अब तुम पर आजमाइश आएंगी, लिहाजा मेरा नाम किसी को मत बताना कि मैंने ये सिखाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बच्चे को करिश्मे अता किए, करिश्मा इसका हम जबान में कह रहा हूँ मौजजा का एक किस्म होती है कि हम जो करामत बोलते हैं आमतौर से, बहरहाल करामत ज्यादा सही लगता है, करामत बोलते हैं, ये वो लोगों के साथ होती है जो अंबियों पर ईमान लाते हैं, सच्चे ईमान वाले जो कमल करते हैं, मौजजे जैसा ही होता है उसको करामत बोलते हैं आम जबान में, डिफ्रेंशिएट करने के लिए मौजजा और करामत में। बहरहाल तो उसको करामत अता कर दी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, और ये थी कि वो जो दुआ करता अल्लाह उसकी दुआ सुन लेता जब जब के सामने वाला शख्स अल्लाह पर ईमान लाता। हुआ ये कि वो बच्चे के पास लोग आते और कहते फला बीमार है तुम दुआ करो, बच्चा इस्लाम की दावत देता जो राहिब ने सिखाई थी, वो आदमी अगर ईमान कबूल करता, बच्चा उसके लिए दुआ करता, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआ को सुन लेता। ये चर्चा होने लगा और चर्चा होते 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 बात महल में पहुंच गई। महल में एक वजीर था, बड़ा आला पोजिशन वाला इंसान था, वो नाबीना था। किसी ने कहा ये जो बच्चा महल में आता है ना जादूगर के पास, इसने वो इल्म सीख लिया है कि उन नाबीना इंसान को बीनाई दे सकता, जाओ उसके पास। वो पहुंच गया तोहफे तहाइफ लेकर वजीर और कहा मैं तोहफे तहाइफ लो और मुझे आंखें दे दो। उस बच्चे ने कहा मैं थोड़ी आंखें दे सकता हूँ, अल्लाह ताला देता है। तो कहा अल्लाह को नहीं, तो कहा वो है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया। कहा बादशाह के अलावा भी कोई रब है? तो कहा हाँ वो अल्लाह है जिसने बादशाह को बनाया, तुम्हें बनाया, मुझे बनाया, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाओ तो मैं दुआ करूंगा तो तुम्हें आंखें आ जाएंगी। उसने कहा मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ। उस बच्चे ने दुआ की, अल्लाह ने उस वजीर को आंखें दे दी। उस बच्चे ने कहा ये तोहफे तहाइफ तुम ले जाओ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। वो वजीर दूसरे दिन महल में पहुंचा और लोगों को देखने लगा। बादशाह ने कहा कि तुम तो आज बिल्कुल देख रहे हो जैसा बिना इंसान देखता है, क्योंकि नाबीना इंसान आंख निकान करता है इंसानों की तरफ, तुम तो देख रहे हो। तो कहा मुझे जो है अल्लाह ताला ने, रब ने जो है आंखें दे दी। तो कहा अच्छा मैंने तुम्हें आंखें दे दी? तो कहा नहीं तुमने नहीं, उस बच्चे ने जो है अल्लाह से दुआ की आंखें दी। तो उस बादशाह ने उस जादूगर से कहा क्या तुमने उस बच्चे को इतना होनहार बना दिया कि वो आंखें दे रहा है? उस जादूगर ने कहा मेरा इल्म ये काम नहीं कर सकता। उसने कहा कि तुम्हें किस चीज की उसने दावत दी? तो कहा उसने एक अल्लाह की दावत दी जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया, वो तुम नहीं हो, वो अल्लाह जिसने तुम्हें पैदा किया। उसने कहा उस बच्चे को लाया जाए। उस बच्चे को पकड़ के लाया गया और उससे पूछा गया कि तुम किसको रब मानते? उसने कहा अल्लाह को जो मेरा और तुम्हारा रब है। तो कहा अगर तुम ईमान छोड़ दो तो ठीक, वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन ये बात तुम्हें सिखाई किसने? इस बस्ती में तो कोई नहीं है। उस बच्चे को इतना मारा गया, बच्चा छोटा था और उसने बोल दिया, उस राहिब ने सिखाया, राहिब पकड़ के लाया गया। अब बच्चा भी मौजूद है, राहिब का आलिम भी मौजूद है जो जो उलमाए हक में से है वो भी, और उधर एक वजीर मौजूद है जो बहुत बड़ी पोजीशन का हामिल है। तीन लोग खड़े हैं। बादशाह ने कहा वजीर, पहले राहिब से कहा ईमान छोड़ते हो और लाते हो मुझ पर, मतलब अल्लाह पर ईमान छोड़ते हो मुझ पर लाते हो या नहीं? उसने कहा मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ तुझ पर नहीं। हुक्म हुआ उसके दो टुकड़े महल में कर दिए गए आरे से। वजीर से कहा गया तेरा भी हाल यही होगा अगर तू अल्लाह पर ईमान छोड़कर वापस मुझ पे ला, मुझे रब मान। वजीर ने कहा यह नहीं हो सकता, उसके भी महल में दो टुकड़े कर दिए गए। तीसरा उस बच्चे से कहा गया दोनों का अंजाम तुमने देख लिया? तो कहा मैं भी नहीं फिरूंगा, जो चाहे कर ले। बादशाह ने कहा तुझे और दर्दनाक सजा देता हूं, इसे ले जाओ और पहाड़ की चोटी पे ले जाना, वहां पूछना अल्लाह पर ईमान लाए हो या बादशाह पे, अल्लाह पे कहे तो फेंक देना। ऊपर उसे पहाड़ पे ले जाया गया। बच्चे ने अल्लाह से दुआ की अल्लाह मेरी हिफाजत कर। पहाड़ पर जलजला आया, सारे सिपाही गिर गए, सोल्जर्स गिर गए, बच्चा महफूज आया। कहा बादशाह तुम नहीं मार सकते, कहा इसे समंदर में ले जाओ, पानी के बीच ले जाना, पूछना अल्लाह पर ईमान लाओ या बादशाह पर, अल्लाह पे कहे तो छोड़ देना, बादशाह पे कहे मुझ पर कहे तो ला लेना। उसने फिर दुआ की कश्ती में और एक भंवर आया, कश्ती डूब गई, अल्लाह ने उसे बचाकर साहिल पे ला दिया, सारे लोग डूब गए। बच्चा आया और कहे बादशाह तुम मुझे नहीं मार सकते मगर सिर्फ एक तरीके से जो मैं बताऊंगा, अगर तुम तैयार हो तो मैं मर जाऊंगा। कहा बताओ? तो कहा पूरे शहर को जमा करो और मुझे सबसे ऊंची चोटी पे ले जाकर मेरे हाथ किसी चीज से बांध देना और मेरे तरकश में से एक तीर निकालना और उस तीर को एरो को निकाल कर जो है अपने कमान में डालकर मारना और कहना अल्लाह के नाम से जो लड़के का रब है और मेरे सर में तीर मारना तो फिर मैं मर सकता हूँ। उसने कहा ठीक है। सारे शहर में मुनादी दी गई, लोग जमा हो गए कि बच्चा जिसकी दुआएं कबूल होती थी
और उसे मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं मरा। क्या बात है, सब जमा हुए। उस बादशाह ने तीर निकाल कर कहा, बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, अल्लाह के नाम से जो लड़के का रब है। तीर उसके सर में लगा, हदीस माता उसने गर्दन डाल दी, वो मर गया। सारी कौम जो देख रही थी, वाकया सुन रही थी, बच्चा तो मरता नहीं, ना पानी में फेंके तो अल्लाह उसको बचा रहा है, उसका रब पहाड़ पर जाता बचा रहा है, सारी की सारी कौम चिल्ला उठी कि हम ईमान लाए लड़के के रब पर। टेक्नोलॉजी नहीं थी, ब्रॉडकास्ट नहीं था, यही तरीका था एक वक्त में सब तक बात पहुंचाने, पहुंचा दी। अब बादशाह ने कहा, हम तीन लोगों से जूझ रहे थे, वजीरों ने कहा तीन लोगों से जूझ रहे थे, अब पूरी कौम की कौम ईमान लाए। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह उनके कौल के मुताबिक 20,000 लोग थे वो जो ईमान लाए। बहरहाल जो कुछ हो, पूरी कौम लाली क्या किया जाए ताकि एक साथ सफाया किया जाए इनका। तो कहा, बड़े बड़े गढ़े खोदो, उखदूद, वही लफ्ज कुरान असहाब उखदूद जो मैंने, गढ़े वाले लोग, बड़े बड़े गढ़े खोदो, उसमें अलाओ, आग जलाओ खूब तेज, और लोगों को एक बस्ती से बुलाओ, अल्लाह पर ईमान लाए धक्का दे दो, अगर बादशाह पर ईमान लाए छोड़ दो। बस्ती के लोग आते गए, अल्लाह पर ईमान किसी ने नहीं छोड़ा, एक के बाद एक हजारों लोग अलाव के अंदर फेंक दिए गए, एक जाकर जलता है, दूसरा पीछे से गिरता है, लेकिन ईमान नहीं छोड़ता। एक औरत आखिर में बची थी जिसके सीने से एक बच्चा लगा था दूध पीता, औरत ने सोचा अगर झूठ मूठ बोल दूं तो शायद बच्चे की जान बच जाएंगी, अपने आप को बचा लूंगी, ईमान तो नहीं छोड़ना था। अल्लाह ने उस बच्चे को जबान दी, बच्चे ने कहा मां तू हक पर कूद जा, और बच्चे को लेकर वो भी कूद गई आंख के अंदर, सब चले गए, पूरी कौम आंख के हवाले कर दी गई सिर्फ ईमान लाने की वजह से। ये था वाकया असहाबे उहद का। इसमें क्या नसीहत चली आई है, रिकॉल फिर से पीछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले उस आलिम हक उल उस हक वाले आलिम का, जिसके पास वाकई में वो वारिस था अंबियाओं का, उसका हकीकी इल्म था, जिसको पता था ईमान के वजह से आजमाइश आती है, और बस्ती छोड़ना इसलिए ही पड़ा था कि वो ईमान वाला था, लेकिन इस बात ने उसको पीछे नहीं रखा कि मैं हक बात लोगों तक पहुंचाऊं, इतनी ताकत के एतबार से बच्चे तक बात पहुंचा दी, उसकी अजीम कुर्बानी। दूसरा वो वजीर जो दुनिया की बहुत बड़ी ताकत, मतलब जिसके कहेंगे पोजिशन रखता था, विजारत क्या होती है आप समझते ना, मिनिस्ट्रीशिप समझते, पॉलिटिकल जो आपका डेमोक्रेटिक हायरार्की में जाए तो कॉर्पोरेटर से शुरू होता है मामला, कॉर्पोरेटर्स होते हैं, उस पर एमएलएज होते हैं, उस पर एमपीज होते हैं, और कुछ एमपीज में से जो खास होते हैं मिनिस्टर लेवल तक जाते हैं, सब नहीं होते हैं, खास पोजिशन है ना। वो वजीर था, एक बहुत बड़ी दुनिया की आला पोजिशन पोस्ट रखता था, उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया अल्लाह के लिए। अल्लाह रहम करे, हम तो छोटी मोटी कॉर्पोरेटरशिप के लिए किसी की भी तलवे चाटने के लिए तैयार है। वजीर, ईमान के आगे क्या विजारत और क्या दुनिया और क्या मिनिस्ट्री और क्या कुछ, कुर्बान कर दिया अल्लाह के लिए सब कुछ, समझ रहे हैं। बादशाह के बाजू बैठता था, बादशाह से पहचान होना ही, बादशाह को देखा बोलना भी बहुत बड़ी बात है कुछ लोगों के लिए, मैंने बादशाह को देखा हमारे मुल्क, पहचान होना, वजीर होके बाजू बैठना, कुर्बान ये पोजीशन अल्लाह के लिए, ईमान लाया था ना, कुर्बान जाने दो, चला गया। उस बच्चे को आप देखिए, ये तो बड़े लोग थे दोनों, एक आलिम था, एक दुनिया की ताकत रखता था, इल्मी था, एक जो वजीर था, इस बच्चे को अल्लाह ने इस्तेमाल किया अपने मिशन, अपने पैगाम को इंसानियत तक एक साथ पहुंचाने के लिए, और उस बच्चे ने वो हिकमत जो अल्लाह की सुझाई हुई हिकमत थी, उसका खुद का नहीं था वो मामला, वो अल्लाह की सुझाई हुई हिकमत थी कि एक साथ बस्ती और कौम को दावत पहुंच जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको हिकमत सुझाई, उस बच्चे ने ईमान की दावत को आम करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और बच्चा था, गुलाम का लफ्ज है, छोटा बच्चा, समझे, बालिग या बड़ा इंसान नहीं था, बच्चा था, कुर्बान अपनी जान दे दी इस्लाम के लिए, दीन के लिए। उसके बाद उस कौम के लोगों को तो थोड़ा याद कीजिए कि एक आदमी अलाव में जब गिरता होगा तो किस तकलीफ से उसको मौत आती होगी। कभी आपने किसी जलते हुए इंसान को देखा, जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, या अल्लाह रहम करे जो जल जाते हैं किसी वजह से, आग लग गई और जल गए, बहुत तकलीफ से इंसान मरता है आग की वजह से। एक आदमी अलाव में गिरा, पिछले वाले का क्या हाल होगा, यहां सिर्फ पुलिस गुजरी तो हम दाढ़ी साफ करने के लिए तैयार है, बहुत आ रहे जा रहे यार काट दूं क्या, ये हाल है। अलाव में एक इंसान गिरता है, पिछला उसको देख रहा है, उसकी चीख और उसकी चिल्लाहट, उसका जलना वो देख रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सहाबा से में एक जमात थी सहाबा की, जिसको रोमियों ने पकड़ लिया था,
रिवायत में आता है कि उन रोमियों ने तेल लगाया था, तेल को हटाया था, खूब यहां अलाव था, यहां तेल का था अलाव, और उन्होंने सहाबा को जमा किया और कहा अगर ईमान अल्लाह पे लाए और अगर ईसाइत कबूल ना करी, अल्लाह पे ईमान ना छोड़ा, हर खिल को ना माना, तो आग आग में तेल में डाल देंगे। कहा डाल दो। और रिवायत में आता है कि एक सहाबी को उठा के डाला गया, वो जैसे ही तेल में गिरा हड्डियां और गोश्त अलग, तेल में कोई चीज डाले तो उबलना शुरू हो जाती है ना, गोश्त डालते ना उबालने के लिए, तलने के लिए, वो हाल हुआ। पिछला सहाबी को फर्क नहीं पड़ा, मैं भी जाता हूं, तो कहा रोक दो, ये तो मान ही नहीं रहे, ठीक है चलो ये नहीं, दूसरी लालच देना शुरू, नहीं फिरे ईमान से। उस अलाव में पता नहीं कितने गिरे, वल्लाहु आलम, लेकिन चंद भी गिरे होंगे तो पिछला वाला देख रहा होगा सामने की मौत, नहीं फिरा इस्लाम से, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मेरी जिंदगी चली जाए लेकिन बस मेरी आखिरत सवर जाए, इससे बड़ी कोई बात नहीं। उनका कूदना, उस औरत के बारे में सोचिए, चलिए तो मर्द होंगे, एक औरत का भी तस्करा आ रहा है, सब हो सकता मरते, उस औरत का सोचिए, उसने ये सोचा कि शायद अगर कुछ बोल दूं ऐसा वैसा, ईमान नहीं छोड़ना है, ईमान को छुपाना भी तो हो सकता है, मैं बोल देती हूँ कुछ बच जाऊंगी, अपने लिए नहीं, वो छोटे नन्हे मुन्ने के लिए कि मेरा बच्चा बच जाए, अल्लाह ने उस बच्चे को जबान दी, और चंद बच्चे जो रिवायत में आता है बचपन में बोले, उनमें से ये भी एक था, अल्लाह ने जबान दी, कहा कूद जा, उस औरत ने अपने बच्चे को लेकर आग में कूद दी। सुभान अल्लाह, कैसी कुर्बानियां हैं। तो मैंने कहा ना, इस्लाम ऐसे नहीं मिला हमको, हमको खाली वो रिखा भी दिख रही जो सजीवी है, इसके पीछे बहुत अजीम कुर्बानियों की एक चैन नहीं आती, चैन नहीं आती। तो ये बहुत बड़ी नमक हरामी होंगी हमारी तरफ से कि जिन लोगों ने सदियों सदियों इस्लाम के लिए कुर्बानी देकर यहां तक गुलदस्ते के सजा कर रखा, हम सिर्फ उस पर अमल भी ना करें, पांच वक्त की नमाज, जान प्यारा फला चीज, जान प्यारा सुन्नत में शादी करना, जान प्यारा सुन्नत में चेहरा रखना, जान प्यारा हलाल हराम में तमीज, जान प्यारा शावे उखदूद का वाक्य जैसे फर्स्ट टाइम सुना, मतलब रोंगटे खड़े कर दे वाला सी कि अपने ईमान पीछे उन्होंने कितने अडोल अडिग रहे हैं अपने धर्म पीछे कि कुर्बानी दे दी, और जिन्हें वो वजीर का वाक्य सी, और फिर पहले वो बच्चे का, थोड़े बच्चे का मेन बच्चे ने बहुत अच्छा किस तरह उन्हें सूझ बूझ ना सब इकट्ठा किया, 20,000 तक करने लोग, अल्लाह ने उन्हें सूझ दी थी इस गल की तू इकट्ठे का है बंदे, वो सब देखेंगे, ओदे देखन ना सारे सारे ईमान पे आ गए, हुन वो राजा परेशान सारे खत्म, और ईमान ना छड़न पीछे एक को दम सारे आग विच कूद गए। ए भी किन्ना तो ईमान पक्का चाहिदा है वास्ते भी ना कि सारे ही अपनी जान की कुर्बानी आग विच कूद गए, मतलब सड़ जाना कोई बहुत आसान गल नहीं है। फिर वो लेडी ने जो वाक्य उन्होंने सुनाया कि छोटे बच्चे नु लेके सब कुछ ना बहुत ही इमोशनल कर देने वाला सी, मतलब सुन के थोड़ा मन है पसीज जाएगा। आई होप तुहानू ये वीडियो साडा रिएक्शन बहुत अच्छा लगा होएगा, अगर तुहानू इस तरह की होर वीडियोस तो साडा रिएक्शन चाहिए, फटाफट इस वीडियो नू लाइक करो और शेयर करो सब नाल, सानू कॉमेंट्स में जाके तुसी दसना जरूर असी होर किस वीडियो ते रिएक्ट करिए, साडे चैनल नू भी सबसक्राइब करो जी, सत श्री अकाल।